नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर आप लोगों को एक्सर्विसमैन से संबंधित रोजगार वीडियो व इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो साथियों, आज भी एक्सर्विसमैन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ साथियों, जिसका आपको काफ़ी समय से इंतजार था। जैसे कि आपको पता है, हमारे एक्सर्विसमैन संगठन ने 2016 में OROP से संबंधित एक केस सुप्रीम कोर्ट में डाला हुआ था, उसका फाइनल डिसीजन 16 मार्च 2022 को आ गया है। और हमारे न्यायाधीश चंद्रचूड़ सिंह और उसके अन्य दो साथियों की पीठ ने उसमें क्या फैसला दिया है, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। और साथियों, हमारे OROP और इसके अलावा हमारा जो 5 ईयर्स में जो हमारा पेंशन रिविजन से संबंधित था, उसके बारे में क्या आदेश हुआ, हमारा एरियर हमें कब तक मिल सकता है और कितना एरियर मिलेगा, इन सभी के बारे में मैं डिटेल में अगला वीडियो बनाऊंगा कि हमें कितना एरियर मिलेगा पूरा कैलकुलेशन के साथ में। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो का भी फायदा उठा सकें। तो चलिए, इन सभी जानकारी के लिए मैं आपको दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाता हूँ और क्या डिसीजन, क्या निर्णय आया है एक्सर्विसमैनों के पक्ष में और ओपी से संबंधित, ये पूरा निर्णय मैं आपको दिखाता हूँ। तो साथियों, ये है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कॉपी, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल ऑर्गेनाइजेशन जुडिशियन पटिशन सिविल पटिशन नंबर था जैसे कि इसका 419/2016 और पटिशन करता थे इसमें इंडियन एक्सर्विसमैन मूवमेंट एंड ओआरएस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ओआरएस, तो ये पटिशन करता थे साथियों। तो इसमें देखे साथियों, कितने मुद्दों पर क्या क्या इसमें फैक्ट थे, इन पर सब पर चर्चा करी गई है। पहले तो जैसे इसका फैक्चुअल बैकग्राउंड था, इससे संबंधित तीन मुद्दे थे, इन पर चर्चा करी गई। सबमिशन ऑफ काउंसिल पर चर्चा करी गई है, एनालिसिस पर चर्चा करी गई, कंसेप्ट और जेनेसिस OROP पर चर्चा करी गई, ACPM SP पर और फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन पर चर्चा करी गई, एवरेज मैक्सिमम पर, इन पर सब पर चर्चा करी गई साथियों। और पीरियोडिक रिवीजन एवरी 5 ईयर, यानी कि आपका 5 साल में जो रिवीजन होता है, उन सभी पर चर्चा करने के बाद और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या निर्णय दिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें उदाहरण भी दिए गए हैं कहीं, तो इसमें हमारे एक्सर्विसमैनों का कहना था कि OROP के हिसाब से कुछ लोगों को पेंशन ज़्यादा मिल रही, कुछ को कम मिल रही, सबको बराबर नहीं मिल रही है। तो इसके आधार पर इन्होंने ACP और गवर्नमेंट की तरफ से, ACP और MSCP की तरफ से जो इसके आधार पर इनको पेंशन निर्धारित की गई थी। तो मैं आपको आप एक छोटा उदाहरण दिखा देता हूँ जो इसमें दिए गए हैं। देखिए, ये हमारे सिपाही का उदाहरण दिया गया है इसमें, जिसकी लेंथ ऑफ सर्विस के बारे में बात करते हैं। 15 साल लेंथ ऑफ सर्विस थी और पेंशन सिपाही रिटायर जो हुआ था 1965 से 2013 के बीच के वाले का, इसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। और इसकी 1/7/2013 को कितनी पेंशन बन रही थी, इसकी 1/7/2000 को बन रही थी 6665 रुपये। और जो हमारा उसके 2013 के बाद 2014 वाले की जो नई पेंशन बनी है, उसकी 7605 रुपये बनी है। तो साथियों, इसमें डिफरेंस आता है हमारा 940 रुपये का। तो इसको हम अगर 2.5 से गुणा करते हैं तो इसका हमारा 2415 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है इसकी पेंशन में, सिर्फ एक ही साल में। इसके लिए हम अगला एग्जाम्पल अभी देखते हैं। जैसे अगला उदाहरण है हमारा, एक नायक साहब का है, इनकी 20 साल सर्विस है और जैसे कि 1965 मानने की बात है, 1965 से 2013 के बीच में जो भी पेंशन आए हैं उनके पेंशन के बारे में दिखाया गया है। तो इनकी पे बनती है 2013 तक 7170 रुपये और जो 2014 में पेंशन आ रहा है उसकी बनती है 8295 रुपये। साथियों, इसमें 1125 रुपये का डिफरेंट आ गया है। अगर हम इसको 2.57 से मल्टीप्लाई करते तो इसमें 2891 रुपये का डिफरेंस हो जाता है। अगला उदाहरण और मैं आपको दिखाता हूँ एक, इसमें ये देखिए, ये 1965 में रिटायर आए थे और इनकी जो पे बनती है, 32 साल नौकरी करी इन्होंने सुबेदार मेजर ने और 36130 रुपये बनती थी पेंशन, लेकिन जो 2014 में पेंशन बनी 37110 बनी है, इसमें 980 रुपये का डिफरेंस हुआ। 2.57 से गुणा करी तो 2518 रुपये का इनका भी इसमें अंतर आता है। तो साथियों, हमारे एक्सर्विस मैन की मांग थी कि इसकी एक कट ऑफ बनाया जाए और कट ऑफ के हिसाब से हमें पेंशन दी जाए, जबकि सरकार जो ने इसके लिए नियम बनाया था
कि 2013 से पहले वाले जो भी हैं उन सभी के लिए एक औसत पेंशन निकाल के उसके हिसाब से पेंशन दी जाएगी, और 2013 के बाद 2014 के बाद वालों को उनके जो लास्ट बेसिक पे है उसके हिसाब से उनको पेंशन दी जाएगी। इस बात पर लड़ाई थी दोस्तों। तो इन सबको लेकर देखिए हमारे इसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था साथियों। वैसे तो ये आदेश बहुत बड़ा है, 64 पेज का है, लेकिन जो मेन आदेश है मैं सिर्फ वही आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए इन्होंने क्या आदेश दिया है, इसमें जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ मैं आपको पढ़कर बताता हूँ भी। वी आर अकॉर्डली ऑर्डर इन द डायरेक्ट डेट इन द कम्युनिकेशन डेट 7 नवंबर 2015 ए रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज सेल बी कैरिड आउट 1 जुलाई 2019 अपॉन द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स एरियर पेबल टू ऑल एलिजिबल पेंशनर ऑफ द आर्मड फोर्स सेल बी कंप्यूटेड एंड द पेड अवर अकॉर्डिंगली विद पीरियड ऑफ द 3 मंथ्स। यानी के जो 5 साल में पे रिविजन होना था उसको कराने का आदेश दिया गया है, 1 जुलाई 2019 से रिविजन कराया जाए, और उसको रिविजन कराने के बाद में जो आर्मड फोर्स के जितने पेंशनर हैं या सभी रक्षाकर्मी जो पेंशनर हैं उनका कंपोर्ट सही तो उनके जो उनको सब कुछ उसका एरियर दे दिया जाए 3 महीने के अंदर अंदर। तो ये दोस्तों हिंदी में है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए लागू वन रैंक वन पेंशन व आरोपी की नीति को सही ठहराया, और शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कोई संवैधानिक कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति में 5 साल में जो पेंशन की समीक्षा का प्रावधान है बिल्कुल सही है। तो इसी प्रावधान के तहत सरकार ने 1 जुलाई 2019 की तारीख से पेंशन की समीक्षा करने को सरकार को आदेश दिया है, और सरकार से सेवानिवृत्त सैनिकों को 3 महीने में जो बकाया भुगतान करने के लिए कहा गया है। और बता दें याचिकाकर्ता भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन ने सरकार के साल 2015 के वन रैंक वन पेंशन की नीति के फैसले को चुनौती दी थी। इसमें उन्होंने दलील दी थी कि यह फैसला मनमाना और दुर्भावनापूर्ण है, क्योंकि इस वर्ग के भीतर वर्ग बनता है और प्रभावी रूप से एक रैंक को अलग अलग पेंशन देता है, यानी कि पेंशन इनको अलग अलग दी जा रही थी, इसके लिए इन्होंने इसमें कहा था। और दोस्तों जो साथियों तो थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी, जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथियों इसके अगले वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका 5 साल के रिवीजन के बाद में जो आपका जो कितना एरियर बनता है वो 3 महीने में आपको मिलेगा, उसका पूरा कैलकुलेशन आपको रैंक वाइज पूरी लिस्ट मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर साथियों अगर आप किसी भी रैंक से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा कितना एरियर बनेगा तो मेरे को मुझे कमेंट आप कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा आपका कितना एरियर बनेगा। आप फुल डिटेल के साथ मुझे बता सकते हैं आपने कितनी सर्विस की है और कब आप पेंशन आए थे, आपका कितना एरियर बनेगा।